आपकी पार्टी से भी बाहू से जो है नामांकन पत्र भरा गया, क्या कहेंगे? आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से। शुक्रिया आशीष जी, हम न जिस मकसद से, जिस नियत से, जिस सोच से ये बड़ा, क्योंकि हम जानते हैं मुझे हमारी सोच, हमारी नीयत बड़ी साफ है। मैं एज ए कारपोरेटर जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन में रहा और मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं कि ये बाहू कंस्टिट्यूंसी मैक्सिमम म्यूनसिपलिटी एरिया है। कुछ पंचायतें यहां से ऐड की गई है, पंचायतें जोड़ी गई है और एक कारपोरेटर बलाबंती जानता है कि जम्मू बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोग क्या चाहते हैं, ये गरीब आदमी क्या चाहता है। इसलिए हम कभी भी भेदभाव की, कभी भी जात पात की बात नहीं करें। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करते हैं। और जिस तरह गुलाम नबी आजाद साहब का नाम जुड़ा है, जब गुलाम नबी आजाद साहब का नाम आता है तो वाकया है आजाद साहब का नाम जब भी जुड़ता है तो सेकुलरिज्म डेवलपमेंट का नाम आता है। जैसे एज ए 2.5 साल CM हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, वो उन्होंने जो काम किए 2.5 साल एज ए CM, वो गोल्डन पीरियड उनका रहा। उसी की सोच को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ सीनियर नेता RS चिप साहब भी आए हुए हैं। चिप साहब बताएंगे कि कितना सपोर्ट मिल रहा है आजाद साहब की पार्टी को, जहां जहां से नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। सुनने नहीं दिया मुझे पूरा क्वेश्चन। कितना सपोर्ट मिल रहा है गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से, जो जो लोग नामांकन पत्र भर रहे हैं जे एंड के? देखिए, यहां तक सपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमें अच्छी रीजनेबल, अच्छी सपोर्ट में मिल रही है। और जैसे सोबत अली साहब ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो काम किया जे एंड के में उन्होंने डेवलपमेंट का, उसके अलावा तीनों खितों में उनका नाम, खासकर जब अगस्त 2019 में यूटी बनी तो उस समय भी राज्यसभा में जो उनका रोल रहा, रियासत के लोगों के लिए जो बात उन्होंने करी, मैं समझता हूं कि वो सब कुछ सामने आ गया कि पिछले 5 सालों में लोगों की समस्याएं बड़ी हैं, लोगों के मसले जो बड़े हैं। और उसी को लेकर के वहां भी उन्होंने कहा था कि स्टेट को यूटी बनाना गलत बात है। इसीलिए आज भी हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है, वी वांट द स्टेट शुड बी गिवन बैक, इट शुड बी मेड अ स्टेट। सेकेंडली, अक्सर हमने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में लोग महसूस करने लगे हैं कि हमारे ऊपर बाहर के लोगों का बहुत दबाव है, हमारे बच्चों की नौकरियां, हमारी जमीनों पर दबाव जो बढ़ता जा रहा है। और कुछ ऐसे कानून लाए गए जैसे बिजली के बारे में, पानी के बारे में, वेल्थ टैक्स के बारे में, ये सब चीजें जो है लोग महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ इन सब बातों को रख करके, सामने रख करके लोग अच्छी खासी सपोर्ट आजाद साहब को दे रहे हैं और उनके विचारों को, और जो उनका कार्यकाल रहा उसको मद्देनजर रखते हुए एक रीजनेबल, बहुत अच्छी सपोर्ट जो है उनको मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोबत अली जी ने आज यहाँ नॉमिनेशन भरा। भाई लगाओ नारा, चौधरी सोबत अली, चौधरी सोबत अली, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, सोबत अली। मीडिया धन्यवाद जी, राम राम, सनातन धर्म की जय।